हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काजल की रसोई में। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल केक की रेसिपी बताने वाली हूं, जो बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। इसे हम बोरबॉन बिस्किट से तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बोरबॉन बिस्किट केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बोरबॉन बिस्किट 200 ग्राम, 20 बिस्किट हैं, दो छोटे पैकेट हैं बिस्किट के, कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध 1 कप या 200 ग्राम, इनो 1 पैकेट, बादाम 8 से 10 कटे हुए, काजू 4 से 5 कटे हुए। तो आइए बोरबॉन बिस्किट केक बनाना शुरू करते हैं। बोरबॉन बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इन बिस्किटों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने क्रीम को भी इस तरह से बीच में ही रहने देना है। इस तरह हम सारे बिस्किट के टुकड़े कर लेंगे। हमने बोरबॉन बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। बोरबॉन बिस्कुट का मैंने पाउडर तैयार कर लिया है और इसे एक बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और एक स्मूथ बैटर तैयार करूंगी। इस तरह से दूध डाल के हमें मिक्स करते जाना है। मैंने दूध डाल के एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ और इसे भी मैं मिक्स कर लूंगी। बोरबॉन बिस्किट केक को हम कुकर में बनाएंगे, तो मैंने कुकर को पहले से गैस पर रख दिया है। इसमें नमक डाल दिया है ताकि नमक गर्म हो जाए। ये नमक हमने पहले भी यूज किया है। मैंने कुकर में एक स्टैंड भी रख दिया है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए ढक दिया है। अब हम बैटर को तैयार कर लेते हैं। अब हम बैटर को बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे। हमने केक का बैटर तैयार कर लिया है। हमारा बैटर अच्छा फ्लफी हो गया है और केक तैयार करने के लिए मैंने एक केक टिन तैयार किया है। इसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और इसके ऊपर हमने मैदा छिड़क दिया है। अब हम बैटर में इनो डाल देंगे और हम इनो को मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद हमें बैटर को ज्यादा देर नहीं रखना है। मैंने बैटर में इनो मिक्स कर लिया है। अब मैं इस बैटर को केक टिन में डाल रही हूं। मैंने बैटर को केक टिन में डाल दिया है। अब मैं इसे टैप कर रही हूं। टैप हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाए। अब टैप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल रही हूं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब हम इसे कुकर में रख देंगे। हमारा कुकर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बैटर को बड़ी सावधानी से रख रही हूँ, क्योंकि कुकर जो है बहुत ज्यादा गर्म है। कुकर को मैंने बंद कर दिया है और इसकी विसल हटा दी है। अब हम केक को 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। हमारे केक को पकते हुए लगभग 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ।
हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब है कि हमारा केक बन चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और केक टिन को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल रही हूँ। मैंने केक टिन को बाहर निकाल दिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। हमारा केक ठंडा हो गया है, अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले हम किनारों से इसे अलग कर लेंगे। मैंने चाकू के साथ किनारों को अलग कर दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसे टैप कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा कितना फ्लफी केक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने केक को काट दिया है, देखिए कितना फ्लफी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। हमारा बहुत ही फ्लफी केक बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा केक लग रहा है और बहुत ही आसानी से और बहुत कम सामग्री में घर पर बन जाता है। जितना देखने में ही अच्छा लग रहा है, उतना खाने में भी टेस्टी है। आप भी इसे अपने घर पर एक बार जरूर बनाइए। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।